हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्लीव्स पे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। लेडीज कुर्ते की जो ये स्लीव्स होती हैं, इन पे डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। 5 मिनट में मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप बस ध्यान से देखिए, इस वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये स्लीव ले लूँगी और इसका ये सीधे वाला पार्ट, हम सीधी तरफ ही डिज़ाइन बनाएंगे। डायरेक्ट सीधी तरफ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हम ये कपड़ा लेंगे। देखिए, ये मैं कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े पे मैं निशान लगाऊंगी। हमें चाहिए 3 इंच लंबी चौड़ी पट्टी चाहिए हमें, ठीक है। और हमें 3 इंच ही इसकी चौड़ाई चाहिएगी और 3 इंच इसकी लंबाई चाहिएगी। देखिए, यहाँ तक हम ऐसे स्क्वायर पीस कट कर लेंगे 3 इंच की लंबाई में। पहले मैं एक पट्टी निकाल लूंगी इसमें से 3 इंच की। मैं इधर भी 3 इंच पे निशान लगा लूंगी और इसके मिड में भी, और फिर इन निशान को ऐसे आपस में मिलाते हुए मैं एक लंबी पट्टी निकाल लूंगी। देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अभी हमें इसमें से 3 इंच लंबे ऐसे पीसेस निकालने हैं, 1 पीसेस, और सेम ऐसे ही प्रोसीजर करके। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारे ऐसे स्क्वायर पीस काट लिए हैं। अब हमें क्या करना है, चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमें एक एक पीस उठाना है। इनको ऐसे रख देंगे हम। देखिए फ्रेंड, ध्यान से, हमें इसको ऐसे 1 फोल्ड करना है और फिर ऐसे 2 फोल्ड करना है। देखिए, ये ऐसे हो गया, आप देख रहे होंगे इसको। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपनी स्लीव्स लेनी है, स्लीव्स लेनी है, और स्लीव से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे इसको अटैच करना है। हम इसे स्लीव से अटैच कर देंगे। ये मैंने प्लेस कर दी है ऐसे एक एक लगा के, और अब मैं इन पे एक सिलाई लगा दूंगी। इनको ऐसे हाथ से प्लेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको अच्छे से इस पे अटैच कर लिया है। अभी मैं इनके ऊपर, देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर ऐसे यहां से मशीन लेके ऐसे और ऐसे मैं इनको अटैच कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पे दबाते हुए ऐसे सिलाई लगा दूंगी ताकि ये अच्छे से प्ले ऐसे घुमा के हुए। अब मैं दूसरी पे लगा लूंगी। इसको अच्छे से ऐसे दबा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे ये ऐसे सिलाई लगा ली है जिससे ये अटैच हो गए हैं। अभी हम इसे ऐसे करेंगे और फिर से हम एक ऐसे लूप लेंगे और उसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे 3 फोल्ड, जैसे अभी हमने ये वाली फोल्ड की थी, और ठीक इसके सामने ऐसे प्लेस करते हुए हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे इसके सामने बिल्कुल, और सबको ऐसे सारे जो मेरे पीसीज हैं इनको फोल्ड करके मैं ऐसे इनके सामने लगा लूंगी। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे भी ऐसे ही लगा लिए हैं। अब इनको फिर ऐसे ही प्लेस कर देंगे सिलाई के साथ, दोबारा से इस पे सिलाई ले आएंगे। देखिए, वापस करते हुए इनको अच्छे से प्लेस कर देंगे इसके सामने। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन दोनों को आमने सामने ऐसे अटैच कर लिया है। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक पट्टी लेनी है इसके सामने लगाने के लिए। हम ऐसे एक पट्टी लेंगे
और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी यहाँ पे इसके सामने एक पट्टी से ऐसे इसकी सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने ये पट्टी लगा दी है। अब इस पट्टी को ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पर एक सिलाई लगा देंगे दबों। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हमें क्या करना है, अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे और हल्की सी पाइपिंग निकालते हुए। आपकी इच्छा है, अगर आपको पाइपिंग निकालनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको पूरा भी फोल्ड कर सकते हैं ऐसे अंदर की तरफ। मैं इसकी हल्की सी पाइपिंग निकालूंगी और इस पर ऐसे तरपाई करूंगी। पहले मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी वन फोल्ड करके। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पर तरपाई भी कर सकते हैं। मैं इस पर तरपाई करूंगी, मैं इस पर एक सिलाई लगा दूंगी ऐसे। मैंने इस पर सिलाई लगा दी है, मैं इस सिलाई को फिर निकाल दूंगी जब मैं इसकी तरपाई करूंगी। अब देखिए, अब हमें ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ इस तरफ क्या करना है, इस तरफ हमें यहाँ से कपड़ा उठाना है यहाँ से फ्रेंड्स, इसके साइड से, और हम इसके ऊपर ऐसे इसको प्लेस करके हुए ऐसे यहाँ तक ऐसे इसको प्लेस कर देंगे। हाफ इंच हमें कपड़ा ऐसे उठाना है ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे हम एक सिलाई लगा देंगे जिससे इसकी फिनिशिंग आ जाएगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको एक कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है अपनी बाजू में। इसको फोल्ड करके हम ऐसे फिटिंग की बाजू दे देंगे। देखिए मैं इसकी फिटिंग का निशान लगाऊंगी जो है 6 इंच, और इसके मोढ़े का निशान लगाऊंगी मैं यहाँ पे, जो ये कट आ रहा है जो मैंने माप लिया था इसका। अभी मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगाऊंगी। देखिए इसको डबल कर देंगे फ्रंट को फ्रेंड्स, और जो ये पॉइंट है हमारा इस पर हम ऐसे तिरछा इसको ऐसे मिला देंगे। को निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। देखिए मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए कितना प्यारा डिजाइन बनके तैयार हुआ है हमारी स्लीव्स का। देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे मैंने दोनों स्लीव्स को तैयार कर लिया है। ये देखिए, आप बताइए आपको ये कैसी लगी। ये देखिए इधर से, ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स अब ये कुर्ती में लगने के लिए बिल्कुल तैयार है स्लीव्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।